के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर भिलाई में कैंप 2 गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों ने इस भक्तिमय माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिख समाज के दसवें एवं अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद साहब को माना जाता है, जिनका प्रकाश उत्सव मनाते हुए भिलाई शहर के कैंप 2 गुरुद्वारे से गुरु की महिमा का बखान करते हुए एक नगर कीर्तन निकाला गया, जिसने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सेक्टर 6 गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में समाप्त हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा भी कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारों के स्वागत सम्मान के साथ कीर्तन में उपस्थित साध संगत के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई गई थी। मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने सिख समाज के नगर कीर्तन का स्वागत सम्मान करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि भिलाई एक मिनी भारत है और इस भारत की अखंडता और एकता का यह प्रमाण है कि यह भाईचारा यूं ही बना रहे। कीर्तन समारोह जो निकला हुआ है उनकी सेवा के लिए हम यहाँ खड़े हैं और तरह तरह के भजन शरबत वगैरह पास्ता वगैरह के इंतजाम किया हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे हैं और पंच प्यारों का स्वागत सम्मान के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के मैं अकबर आटी केंद्रीय भिलाई सर्कुलर मैं मोहम्मद असगर कुरैशी। बताएंगे आज यहाँ पर स्टॉल लगा है और जबकि नगर कीर्तन सिख समाज का है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा भिलाई एक मिनी भारत है, सर्व धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। उस भाईचारे को देखते हुए हम लोगों ने पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और सिख समुदाय की सेवा कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे अभी यहाँ? अभी हम लोगों ने यहाँ पे शरबत वगैरह का इंतजाम रखा है, कस्टर्ड बनवाया है और दो तीन आइटम पास्ता वगैरह का भी आइटम रखवाया है। हम लोग एक सेवा कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान समारोह भी रखा है, हम सभी लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकले नगर कीर्तन की आभा पूरे भिलाई शहर में फैल रही थी। इस बीच महिलाओं के जत्थे द्वारा कर्णप्रिय सुमधुर कीर्तन का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। नगर कीर्तन की जानकारी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का ने न्यूज टीम को दी। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु फतेह। ये जो
दसवीं पातशाही का प्रकाश दिहाड़ा है, उसमें हम लोग जो नगर कीर्तन निकालते हैं बलही में, उसका जो प्रोग्राम जो चल रहा है सब, और नगर कीर्तन पीछे पीछे सब पूरा चल रहा है, पब्लिक सब पूरा बलही का ग्रुप की सब इकट्ठी है। क्या बताना चाह रहे, क्या संदेश देंगे समाज को? संदेश तो समाज को सब एक भाईचारा, एक भाईचारा के नाते, जैसे अभी मुसलमान भाइयों ने स्वागत किया, इसे हिंदू भाई कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व की खुशी में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये इस बार की जो बारी के कैंप टू गुजार से है और ये सेक्टर सिक्स में समाप्ति होगी, और यहाँ पर देखा जा रहा है खुशी खुशनुमा माहौल है और सभी का भाईचारा, जिस तरह से अभी मुस्लिम भाइयों ने भी एक स्टॉल लगाया है और कुछ हिंदू भाई भी हमारे वहाँ पर आए हुए हैं, और मानव अधिकार की तरफ से भी आज स्टॉल लगाया गया है, और आप जैसे भी देख रहे हैं कि एक खुशी का माहौल बना हुआ है और एक मान्यता और एकता के लिए जो ये हमारा संदेश दे रहे हैं हम, और ये इसी तरह जो है आने वाले समय में भी उत्साहवर्धक माहौल में हम लोग फिर नगर कीर्तन जो है निकालेंगे। गुरनाम सिंह महासचिव छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई ग्रुप। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर निकली कीर्तन यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया एवं पंच प्यारों की अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन के दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।